डीएसपी अभिषेक वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को एचटीपीएस कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप लाठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोरबा एसपी अभिषेक वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार गत 17 फरवरी को एचटीपीएस कॉलोनी के रहने वाले प्रदीप लाठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि परिवार काम से 11 फरवरी को रायपुर गया था। इस बीच 15 फरवरी को फोन से पड़ोसियों ने खबर दी कि उनके घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ है। वापस आकर देखा तो अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, 5 जोड़ी चांदी के पायल, 10 चांदी का सिक्के, 2 नग सोने की अंगूठी, 6 नग सोने की फुल्ली, 6 जोड़ी सोने के टॉप्स, 6 नग सोने के गेहूदाना, 1 नग सोने का सिक्का, अन्य आभूषण, घरेलू सामान और नकदी गायब है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी दर्रे निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर पता साजी की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि अयोध्यापुरी उरावा मोहल्ले का रहने वाला सुनील तिर्की, आशीष दास और विनय मुंडा अपने पास विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं और बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी ने प्रदीप लाठिया के मकान में रात्रि में घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण एवं अन्य सामान चोरी करना स्वीकार क्या है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्योंकि अभी बहुत सारे जगहों पर लोग सुने घर हैं और कुछ अभी छुट्टियों का सीजन भी चालू हुआ है, हो सकता है इसके कारण से रेकी करके लोग अपराध कायम अपराध कर कारित कर रहे होंगे। और साथ में हम लोग अभी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं उन सभी का एसएस रोल और जो बाहर से जो लोग यहाँ आके रुके हुए हैं, दूसरे जो किरायेदार हैं उनको भी टास्क दिया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में जितने भी मोहल्ले हैं जो किराए में मकान देते हैं उनकी मीटिंग ली जाएगी और सबको ताकीद किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति आपके घर में आते हैं या होटल या लॉज में जो रुक रहे हैं उस सभी की जानकारी आप संबंधित थाने को सूचना दें। और जो दूसरे प्रांत से लोग जो आके यहाँ बस रुके हुए हैं या किसी काम के सिलसिले में आते हैं सभी का एसएस और वीसी रोल जारी किया जाएगा ताकि संबंधित उस प्रांत के उस राज्य के जगहों से यह जानकारी मिल सके कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इसमें आने वाले दिनों में एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें प्रारंभ किया गया है, सभी को टास्क दिया गया है। तो कुछ दिनों में इसमें सभी मोहल्ले में मीटिंग की जाएगी और इस संबंध में आगे कोशिश की जाएगी कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो बाहर से आके चोरी वगैरह कर रहा हो या यहाँ का जो आदतन जो बदमाश है जिनके पूर्व में रिकॉर्ड है उनके ऊपर भी इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी।